कोई मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट आइडियोलॉजी मायने रखती है, और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बात करेगा हमारा वोट वही है। जो हमारे संस्कार हैं उस संस्कार को लेके चलने की बात सिर्फ बीजेपी ही करती है, अन्यथा और कोई पार्टी नहीं है। आरजेडी निकल रही है बक्सर जिला से, आरजेडी। हाँ, आरजेडी से यहाँ कौन प्रत्याशी आ रहे हैं? आरजेडी से कोई प्रत्याशी आएगा निकलेगा। बाबा तो वोट नाट हार पूरी तो वोट खड़ा होता बिना पेटी मिली बाबा नाट पेटी नाट लो। बाबा साइकिल नहीं दिए? बैटरी ना डाल बाबा ना बैटरी वाला साइकिल नहीं दिए? ना गोट मिल मिल टूटो टटी मर ना मिल। बाबा के इस बार वोट मारे के बा? बाबा वोट ना तो भेज बा और पूरी तो खड़ा होता वोट खड़ा होता बाबा बाबा टटई पूरी खड़ा होता वोट खड़ा होता। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ बक्सर में और मैं बता दूँ कि ये बक्सर जो है महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि माना जाता है, और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैं बक्सर में पड़ताल में निकला हूँ कि क्या यहाँ की जनता का मूड है। मैं सीधा सीधी तौर पे मैं जानने का यहाँ की जनता से प्रयास करूँगा कि जो लड़ाई है इंडिया बनाम एनडीए, ये लोग इस बार किस तरफ जाएंगे। और साफ तौर पे मेरी बात यहाँ की जनता से, यहाँ के जो वर्तमान सांसद है अश्विनी चौबे को लेकर भी होगा कि क्या यहाँ की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन बक्सर लोकसभा में चाहती है या नहीं चाहती है। इस बार बक्सर लोकसभा के लोग कौन से मुद्दे पर वोट देंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं अश्विनी चौबे, और उसी तमाम मुद्दे पर मैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बक्सर लोकसभा के लोगों में क्या चल रहा है। आइए बात करते हैं और जानते हैं। चचा, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाला है और जल्द ही चुनाव का निर्णय भी लिया जाएगा, उसका डेट और तारीख भी फिक्स कर दिया जाएगा, क्या कहिएगा, वोट कहाँ देना है इस बार? अश्विनी कुमार चौबे को। कहा है अश्विनी कुमार चौबे का कार्यकाल कैसा रहा? हम लोग का ठीक है, बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है इसलिए। वही कुछ लोग तो नाराज है अश्विनी चौबे से। बहुत आदमी नाराज आता है तो उससे क्या मतलब है? हम लोग सही है, हम लोग सही, हम लोग भाजपा को वोट देते हैं। भाजपा के नाम पर वोट दीजिएगा कि अश्विनी चौबे के नाम? भाजपा के नाम पर, भाजपा के नाम पर। अश्विनी कुमार चौबे सही नहीं है, सही नहीं है, बाकी भाजपा के नाम पर हम लोग देंगे। मतलब कि अश्विनी कुमार जो चौबे हैं वो अच्छे सांसद नहीं है यहाँ? ना नहीं है। हम लोग मोदी के चलते वोट देते हैं। मोदी की वजह से वोट दीजिए? हाँ। क्या कहिएगा बाबा, इधर आइए इधर आइए। ठीक है। कहाँ घर है आपका? एक किटपुरा घर है। किटपुरा वोट उठ मारने जाते हैं ना? हाँ जी हाँ। किसकी सरकार अच्छा लग रही है आपको? ये चौबे जी का। चौबे जी का? हाँ जी। सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बढ़िया तो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमारे हिसाब से तो कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। मैंने क्या काम, उनका कुछ काम गिनवाइएगा यहाँ? हाँ, गंगा जल में ही, हाँ, राम रेखा घाट में बहुत काम करवाए हैं। हाँ। गंगा जी का। हाँ। यही सब। और क्या क्या कहिएगा भैया, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हरिहर सिंह। हरिहर सिंह, गुटखा खाए हुए हैं, बहुत बदबू आ रहा है मुंह। हाँ बोलिए। क्या चुनाव उनाव का कैसा माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है, किसको वोट देना है इस बार? आरजेडी निकल रही है बक्सर जिला से, आरजेडी। हाँ, आरजेडी से यहाँ कौन प्रत्याशी आ रहे हैं? आरजेडी से कोई प्रत्याशी आएगा निकलेगा। आरजेडी? हाँ। इस बार अश्विनी चौबे नहीं, भाजपा नहीं? कोई भाजपा का 40 में 40 सीट डंका का चोट पर निकालेगी आरजेडी। बिहार में? पूरे पूरे बिहार में। हाँ। लेकिन वही नीतीश कुमार तो भाग गए हैं। नीतीश कुमार से भागने से क्या हो रहा है? नीतीश कुमार तो पलटू राम है, अभी आज ही उस पार्टी में, कल इस पार्टी में। हाँ। अश्विनी चौबे जी का यहाँ क्या स्थिति? अश्विनी कुमार चौबे के जमीनी कोई स्तर नहीं है। काम विकास कहाँ किए हैं? तेजस्वी यादव 70 दिन में 70 दिन में जो 4.5 लाख की भर्ती लिए हैं 17 महीना में, वो बताइए इतिहास कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा नेता हुआ है? हैं? और मीडिया वाले तो सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के काम के हैं? तेजस्वी यादव बिहार का, नजयुक्त दलों का। मतलब इस बार यहाँ सत्ता परिवर्तन बक्सर में होगा? में जरूरी होगा। आरजेडी यहाँ पर जीतेगी? हाँ, कोई पार्टी आए आरजेडी यहाँ पर निकलेगा, कोई भी गठबंधन से, मतलब कोई भी नेता है। हाँ। लेकिन आरजेडी महागठबंधन से यहाँ लोग सांसद बनाए जाएंगे? बनाए जाएंगे। 2024 लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, काफी कहा जा रहा है कि इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, और ये अश्विनी चौबे का गढ़ माना जा रहा है, ताकि 10 वर्षों से यहाँ वो लगातार जीतते आ रहे हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है, और इंडिया बनाम एनडीए में कहीं इंडिया कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, एनडीए एनडीए है, और एनडीए देश की भलाई कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह
अच्छा, बक्सर की बात कही जाए, जो लोकसभा है, अश्विनी चौबे के द्वारा यहाँ क्या कुछ किया गया है? बहुत कुछ किया गया है, गंगा की सफाई किया गया है, रोड का निर्माण किया गया है, धार्मिक स्थलों का सुधार किया गया है, स्कूल में सफाई किया गया है, सबका चेकिंग करवा रहे हैं टाइम टू टाइम। जो भी काम एक एमपी के द्वारा किया जा सकता है वो अच्छा से हो रहा है। लेकिन यहीं पे कुछ लोगों की नाराजगी है, साफ तौर पे उन लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन यहाँ बक्सर लोकसभा में होना चाहिए। कुछ लोगों की नाराजगी तो द्वापर युग से चली आ रही है, त्रेता युग में चली आ रही है। भगवान रामचंद्र से जब सब लोग खुश नहीं हुए तो बाकी लोगों से लोग क्या खुश होंगे? कुछ लोग हमेशा नाराज रहते हैं, रहेंगे, ठीक ना? उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल उनका कार्यकाल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा है, कहीं कोई हमारे तरफ से शिकायत नहीं है। ये बक्सर लोकसभा है और काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। यहाँ से आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि फिर पुनः एक बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी चाहते हैं? देखिए, हम हिंदू हैं और हिंदुत्व तो देश में चाहते हैं, और हिंदुत्व तो की बात जो है बीजेपी के अलावा कोई बात करता नहीं है। इसलिए कैंडिडेट कोई भी हो, हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता, कैंडिडेट आइडियोलॉजी मायने रखती है, और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बात करेगा हमारा वोट वही है। आप बात कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बात करेगा, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि जो 10 वर्षों से लगातार यहाँ के जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं अश्विनी कुमार चौबे, उनके द्वारा कोई अच्छा काम नहीं किया गया है बक्सर में। देखिए, अगर हम आज़ादी के बाद समीक्षा करें तो जिस प्रगति पे बक्सर हमारा बढ़ा है उससे कुछ परसेंटेज प्रगति तेज हुई है, लेकिन जितना अगल बगल हम देख रहे हैं कि होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इस बात से तो मैं भी वाकिफ रखता हूँ, प्रगति और तेज होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा में ही वोट देना है, ये तो आइडियोलॉजी के ऊपर है ना। जहाँ आइडियोलॉजी हमारी मैच करेगी, वहीं मैं वोट दूंगा। तो आइडियोलॉजी अभी हमारी बीजेपी के साथ। अच्छा, एक ही साथ जा रहे हैं, क्या कहिएगा, कहाँ वोट मारना है? बस वही कहाँ, वही बीजेपी है। आखिर बीजेपी में, बीजेपी में क्या है? हमारे संस्कारों की आइडियोलॉजी वही है। जो हमारे संस्कार हैं उस संस्कार को लेके चलने की बात सिर्फ बीजेपी ही करती है, अन्यथा और कोई पार्टी नहीं है। देखिए, रोड बन रहा है, बिजली मिल रही है, सारी जो भौतिक सुविधाएं होती हैं वो हमको मिल रहा है, और ये इसी की बात सब कर रहा है। तो जो हमको मिल रहा है उसके बाद रही हमारे संस्कारों की बात। आज़ादी से हम अपने संस्कार कंप्लीट कर सकें, सारी चीज़ कंप्लीट कर सकें, वो उसकी बात सिर्फ जो है बीजेपी कर रही है, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी बस। ये दिव्यांग व्यक्ति हैं और यहाँ के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनसे नाराज़ हैं। क्या कहिएगा, अश्विनी चौबे को वोट देना है या नहीं देना है? बाबा रो वोट ना तो हार पूरी तो वोट हरा होता, बिना में कहो तो बेटी मिली और बाबा ना तो बेटी ना चलो। अच्छा, बाबा साइकिल नहीं दिए? हाँ, बैटरी ना चलो बाबा। अच्छा, ना बैटरी वाला साइकिल नहीं दिए? ना कहो तो मिल टूटो तो तीन महीना ना मिलो। अच्छा, तीन महीना से बाबा कह रहे हैं कि मिली है, फिर ना मिलो? हाँ, बाबा ना तो ये बड़ा बाबा आई बा मार बन दिए कहो तो बाबा वोट तो तई तीन दिन कहो तो पूरी तो खड़ा होता बैटरी मिली बाबा ना चलो। बाबा आया है बैक्सर? बाबा आया, ये बड़ा आई बा ना तो मार बन दिए पूरा में कहो तो बैटरी आई बा ना चलो। हाँ, बैटरी वाला गाड़ी आया है, बाबा नहीं दिलवाया? ना बाबा तो ना चलो, जो खड़ा ना चलो मैंने दो दो महीना कह के टालते जा रहे हैं। टूटा टाइटे बैठी आई बार ढेर आई बार पापा घर तो ना चलो भात तो चीन ली और बाबा ना चलो। तो बाबा के इस बार वोट मारे के बा? बाबा वोट ना तो भेज बा और पूरी तो खड़ा होता वोट खड़ा होता बाबा तो कही पूरी खड़ा होता वोट खड़ा होता। हाँ, बाबा के हराना है तो बाबा वोट आई बार। हाँ, क्या बाबा के पास फोन कर रहे हैं? बाबा ना तो कहो तो वोट बैठे तो ना चलो चीन तो भात भात ना चलो। तू आ रहा पाई तू आ रहा तेज तू आ रहा थोपी ना चलो वोट आई बा पूरी तो आई बा भरा होता। तीन साल से इनको जो बाबा हैं यहाँ के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, इनको टहरा रहे हैं। ये बेचारे दिव्यांग हैं और इनकी बैटरी वाली जो साइकिल है नहीं मिल पा रहा है, यही ना भैया? ना बैटरी ना चलो टूटो तो ना चलो। झूठो बोल रहे हैं ना? हाँ, झूठो तो टाटा दे दलो ना चलो वोट आओ तो ना चलो। हाँ, बाबा ना ना चलो। डॉक्टर पुनीत सिंह, उनके बारे में बोल रहे हैं कि डॉक्टर पुनीत सिंह को वोट देना है जो राजद के हैं, डॉक्टर पुनीत को वोट देना है, मोबाइल में दिखा रहे हैं। हाँ, पुनीत ठीक बा, बढ़िया बा, पुनीत बढ़िया बा। हाँ, टूटा नया बड़ा वो पेटी मिली नया मिली। हाँ, पुनीत ठीक बा, बाबा टट
माने बाबा खत्म, जो डॉक्टर पुनीत जो प्रत्याशी भावी प्रत्याशी है लोकसभा के। हाँ पुनीत खड़ा होता है। हाँ पुनीत खड़ा हो रहा है। हाँ होली बार वोट होता है, पुनीत खड़ा होता है, बाबा टट। अच्छा बाबा खत्म। हाँ जैसे कि अभी आपने यहाँ के लोगों से सुना, साफ तौर पे यहाँ का जनता का कहना है कि मेरी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी से मैच करती है, जो हिंदुत्व का बात करता है हम उसी को वोट देंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे यहाँ के अश्विनी चौबे हो या चाहे बीजेपी कोई और कैंडिडेट को लाए, हम लोग बीजेपी को नाम पर ही वोट करेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों में नाराजगी है, साफ तौर पे कहला गया है लोगों को कि बाबा के द्वारा यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया जा रहा है, इस बार बक्सर लोकसभा में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। साफ तौर पर यहाँ का जनता का जो झुकाव है देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ यहाँ पर ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।